हाय गाइस। सो अभी मैं दोबारा आपके सामने एक अपना नया स्केच लेके आया हूँ। तो गाइस मैंने कुछ नया क्या, मैं अपने ही बना रहा हूँ एक्चुअली। तो गाइस इसकी मैंने आउटलाइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो अभी इसमें जो डार्क एरियाज हैं और जो शेडिंग है वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। राइट, अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूँ, हो सकता है शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो। ये मेरा एक फ़ोटो है। एक्चुअली मैं जो बना रहा हूँ उसमें मैंने ये जो गूगल है ये मैंने उसमें नहीं बनाया, बिकॉज़ ये एक्चुअली ये एक ऐप के थ्रू मैंने ये फ़ोटो खींचा था, तो उसमें ये आर्टिफिशियल गूगल लगा हुआ है, गूगल इन द सेंस की चश्मा। राइट, तो अभी ये मैंने नहीं बनाया है, बिकॉज़ मैंने जो रियल है वही रखा है। ठीक है, तो इसकी आउटलाइनिंग जैसे कि गाइस अगर आपको ना दिख रही हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है इसकी आउटलाइनिंग जो मैंने कर ली है। स्टार्ट करते हैं गाइस इसका। राइट, तो हम इनकी शेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बिकॉज़ इसमें आप जानते हैं थोड़ा टाइम लगता है। आई होप आप समझेंगे। तो गाइस शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस शुरू करते हैं, मैं थोड़ा सा पेंसिल को शार्प कर लेता हूँ। हालांकि मुझे पहले शार्प कर लेनी चाहिए थी गाइस, सॉरी थोड़ा सा। तो गाइस आंखों से हम शुरुआत करेंगे पहले। गाइस मैं चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसमें जो चारकोल की जो हार्ड पेंसिल होती है वो थोड़ा सा लाइट रहेगी और जो सॉफ्ट होती है वो डार्क रहेगी। हालांकि साउंड आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने में कि हार्ड को डार्क करना चाहिए,
ऐसा नहीं गाइस, जो सॉफ्ट है वही डार्क रहती है, हार्ड है वो लाइट रहेगी। सोप थोड़ा सा गाइस ऐसे ही लगाने हैं जिस तरह बालों का डायरेक्शन है उसी तरफ स्ट्रोक लगाने हैं।
थोड़ा सा लेट हो रहा है गाइस, मैं अभी सो थोड़ा 2 मिनट के लिए। तो गाइस अब देख रहे हैं जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, जो डार्क एरियाज में चारकोल पेंसिल एक्चुअली आज पहली बार ड्राइंग में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई होप रिजल्ट ठीक ही निकलेगा। एक्चुअली गाइस पहली बार इसलिए क्योंकि थोड़ा एक्साइटमेंट थी चारकोल पेंसिल इस्तेमाल करने की, अदरवाइज मैं ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ करता हूँ जनरली, जो पहले से पहले पेंटिंग जितनी बनाई है।
भाई अभी बाल है एक्चुअली, मैंने इसमें दो पेंसिल लाइट कर दी हैं, कहीं आज एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए यार। एनीवेज मुझे चारकोल का इस्तेमाल करना था बालों में, बट मैं वहाँ भी ग्रेफाइट कर दिया हल्का सा, दर्द देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस, बट मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में। राइट सो गाइज, आप बस ये देखिए अगर गलती हो भी जाती है तो उसको सुधारना कैसे है। सो गाइस अब ब्लेंड कर लेंगे, पर यार चारकोल चल ही नहीं रही है तो मुझे ये इसलिए रफ करनी पड़ गई है। पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा यार, आज तो ज्यादा गलती हो गई है काफी सारी। कब गाइस कोशिश पूरी करूंगा मैं इसको सुधारने की, गलती जो मैंने इससे हुई है।
थोड़ा इसकी वजह से ये भी काली हो रही है। बल्ब मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, वो थोड़ा सा गलत हो गया है। एनीवेज कोई बात नहीं, गाइस प्लीज आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लग रही है।
अदरवाइज सॉरी मैं थोड़ा सा कुछ कमेंट्री नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ कमेंट्री इन द सेंस कि आपको बीच बीच में बोल नहीं पा रहा हूँ या थोड़ा सा बताते वक्त ऑलरेडी लोग मुझे सुबह एक्चुअली कहीं जान बहुत से इमरजेंसी जाना भी है ऑलरेडी थोड़े दो होने को जा रहे हैं तो कहीं लेकिन आप बताइएगा कि मैं कुछ कुछ करीब पहुँचाऊँ या नहीं। बाकी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत करीब पहुँचूँगा बट कोशिश है कि जितना फाइन ना सकूँ।
तो गाइस ये बन के रेडी है, अब बताइएगा कि कैसा लगा आपको। सो गाइस हैज इट द आर्ट इज़ कम्प्लीट। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है। दोनों पोर्ट्रेट में आपको क्लोजली दिखा रहा हूँ, समझ सकता हूँ कि बिल्कुल शायद एक्यूरेट तो आपको नहीं लग रहा होगा, बट गाइस मैंने कोशिश की है मैचिंग करने की। तो गाइस प्लीज़ गाइज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइज थैंक यू वेरी मच। वीडियो मैं सुबह अपलोड कर दूँगा और आप देखिएगा। और हाँ गाइज आप एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, एक्चुअली ये सिर्फ हेयर्स के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन मैंने भी हेयर में ही की है, बट आई डोंट नो कि एक्चुअली मैं जो मैं चाह रहा था जैसा वैसा
लुक नहीं आ पाया है, बट एनी वेज गाइज आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि कैसी लगी. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.